बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नुज़्ज़त रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। 5 फेब कश्मीर डे। सुबह से मैं सोच रही थी कि इस मौके पे बंदा क्या कहे। हर साल जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कश्मीर डे 5 फेब पे जी छुट्टी होती है, और उस छुट्टी को हम जिस तरह भी अवेल करते हैं वो एक सेपरेट डिबेट है। बट पॉइंट इज़ दिस कि मेरे हाथ से कोरोना लास्ट 2 ईयर से हम इस जनरेशन ने भी देख लिया कि कैसे घरों में बंद हो गए। सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप, कोई ऐसा कंट्री नहीं था जहाँ पे लोगों को घरों में बंद नहीं किया गया हो कि जी सोशल डिस्टेंस और बहुत सारी चीज़ें। अभी भी अगर हम आंखें नहीं खोलेंगे, और अभी भी हमारे जो लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट सारे देखा जाए इस्लामिक कंट्रीज़ के जो मुल्क हैं उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो सरबराहान हैं, क्या वो अभी भी आंखें नहीं खोलेंगे और अभी भी इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे उस वे से एड्रेस नहीं करेंगे जिस वे से एड्रेस करने का हक बनता है। सेम इसी तरह शाम, लीबिया, हम कहाँ कहाँ क्या क्या जुल्म देख रहे हैं। लेकिन प्लीज़, सिर्फ छुट्टी देने से और छुट्टी मनाने से कुछ नहीं होगा। इस पर ऑफिशियली हमें आवाज़ प्रॉपर वे से उठानी है और उसका हल निकालना है। सिर्फ खामोश होकर एक दिन के लिए आवाज़ निकाली और उसके बाद सुकून.com, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे हाल से हम में से तो कोई उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। थैंक यू। पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ, हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले, दुनिया वाले चुप बैठे हैं जालिम की रस्सी खोले। जुर्म मेरा पैदा होना तो जुर्म किया है मैंने, क्या जिंदगी मैंने जी होगी बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया ये बात तो जालिम भूल गया। जा